सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि छोटे बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। जब बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल के हो जाते हैं, तो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले अपनी मातृभाषा, जो भी हम बोलते हों, या तो हम इंग्लिश बोलते हों, या हिंदी बोलते हों, या गुजराती बोलते हों, कोई भी भाषा बोलते हों, तो सबसे पहले उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को भी हिंदी बोलना सिखाया, जो कि हमारी मातृभाषा है। हिंदी सब जगह यूज़ होता है, तो हमें हिंदी सबसे पहले सिखानी चाहिए। उसके बाद मैंने ट्राई किया, धीरे धीरे जैसे ही मेरा बच्चा बोलना स्टार्ट किया 2 साल से, तो मैंने उसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट कराया। अभी मेरा बच्चा पूरा, जितने भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, वो पूरा कंप्लीट सीख चुका है। और मेरी बेटी भी इंग्लिश के वर्ड्स, जितने भी ईजी वर्ड्स है, वो सीख चुकी है। तो आज मैं वही आपको छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि हमारे डेली के बेसिक में, डेली दिनचर्या में जो हम यूज़ करते हैं छोटे छोटे वर्ड्स, अगर आप उसे ही यूज़ करें बच्चों को बात करने में, तो बच्चे जल्दी ही इंग्लिश सीख जाते हैं। तो आइए फिर देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ईजी और छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बच्चे आसानी से कैच कर लेते हैं और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहला वर्ड हम बात करते हैं। पहला नंबर है आओ, कम। जैसे हम बच्चों को बुलाते हैं अपनी तरफ, तो हम बच्चों को बोलते हैं आओ, तो बच्चे को बोलना चाहिए कम। दूसरा नंबर है जाओ, गो। जब हम बच्चों को बोलते हैं जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, गो। तो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ हमें सिखाना है। अब हमारा अगला वर्ड है सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। जैसे ही हम बच्चे को सिट डाउन, बैठ जाओ सिखाते हैं, तो उसी समय हमें स्टैंड अप भी बच्चों को सिखाना है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थैंक यू, इसका हिंदी मीनिंग है धन्यवाद। तो बच्चों को साथ साथ हिंदी मीनिंग भी सिखानी है, ताकि वो समझ सके कि इसका मतलब ये होता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है थैंक यू, धन्यवाद। जब हम कुछ बच्चों को देते हैं, तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि कोई कुछ दे या फिर कोई आपको कुछ ऐसा काम कर दे, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, तो बच्चे इसे कैच करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट उसी समय सिखाना है कि जब आप कोई गलती करो, तो हमें बोलना है सॉरी, मैं दुखी हूँ, सॉरी। तो उसी समय हमें ये वर्ड सिखाना है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेलकम। जैसे ही बच्चे जब थैंक यू किसी से सुनते हैं, तो हमें उसे कहना चाहिए वेलकम। कोई आपको थैंक यू बोले, तो आपको कहना है वेलकम, स्वागत है, वेलकम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय बाय। जब बच्चे आखिरी बार किसी से मिलते हैं, या फिर घर में कोई गेस्ट ऐसे आते हैं, तो हम बच्चों को सिखाते हैं बाय बाय बोलो, बाय बाय, अलविदा। तो बच्चों को हमें सिखाना है बाय बाय, अलविदा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गुड मॉर्निंग। बच्चे जब सुबह उठते हैं, तो हमें प्यार से उसे बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। तो ये हमें वर्ड बोलना चाहिए। उसी समय हमें ये भी सिखाना चाहिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो ये तीनों वर्ड आपको सिखाने हैं। जब दोपहर हो, तो आपको सिखाना है गुड नून, शाम में गुड इवनिंग, और रात में गुड नाइट। सोने से पहले हमें बच्चों को सिखाना चाहिए गुड नाइट। तो ये हमारा वर्ड्स एक ही तरह का है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेक अप, उठ जाओ। वेक अप, उठ जाओ। जैसे ही हम बच्चों को बोलते हैं, नींद से बच्चे जब उठते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वेक अप, उठ जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। बच्चे जब कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हमें बच्चों को उठाना होता है, तो उसका मीनिंग भी होता है गेट अप। तो हमें बच्चों को बोलना चाहिए उठ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है बी रेडी, तैयार हो जाओ।
जब बच्चे सोकर उठते हैं तो बच्चों को हमें बोलना चाहिए बी रेडी, या फिर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो बच्चों को बोलते हैं रेडी हो जाओ, बी रेडी, तैयार हो जाओ। हमारा अगला वर्ड है गो टू टॉयलेट। बच्चों को हमेशा जब बच्चे 2 साल से ऊपर हो जाते हैं तो बच्चों को सारी हैबिट्स देनी चाहिए बाथरूम जाने की, या फिर खुद से कुछ छोटे छोटे काम करने की, तो हमें उन्हें कहना चाहिए गो टू टॉयलेट, टॉयलेट जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉश योर हैंड्स। बच्चों को हमेशा खाने से पहले या फिर बाथरूम के जाने के बाद बच्चों को हमेशा बोलना चाहिए वॉश योर हैंड्स। जब भी बच्चे खाना खाएं तो उससे पहले हमें ज़रूर बच्चों को बोलना चाहिए वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, अपने हाथ धो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोम्ब योर हेयर। बच्चों को खुद से बोलना चाहिए कोम्ब योर हेयर, अपने बाल बनाओ। नेक्स्ट वर्ड है ड्रिंक वाटर, पानी पियो। बच्चे को जैसे हमें बोलना पड़ता है पानी पियो, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से पानी नहीं पीते, तो हमें बार बार बच्चों को बोलना पड़ता है ड्रिंक वाटर, पानी पियो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिनिश योर फूड। बच्चों को खुद से खिलाने की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि बच्चे आगे चल के खुद से खाना सीख जाए। तो जब बच्चा 1.5 साल या 1.5 साल से तो बच्चा खाना शुरू ही करता है, लेकिन हमें आफ्टर 2 ईयर बच्चों को खुद से खाने की हैबिट देनी चाहिए, तो हमें बोलना चाहिए फिनिश योर फूड। बच्चे को एक प्लेट में खाना के लिए दे दीजिए और कहिए फिनिश योर फूड, अपना खाना ख़त्म करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लीज़। जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो हमें खुद से एक वर्ड बोलना चाहिए प्लीज़, प्लीज़ गिव मी, इस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए प्लीज़, कृपया दो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रीड, पढ़ो। जब बच्चे 2 साल से ऊपर हो जाते हैं तो छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को पढ़ाने चाहिए, जिससे बुक्स भी होते हैं पढ़ने के छोटे छोटे, जब बच्चों को प्ले ग्रुप में दिया जाता है तो बच्चे को बुक्स भी दी जाती है, तो हमें उसे खुद से बोलना चाहिए कि थोड़ा ट्राई करो, मतलब रीड, पढ़ो, थोड़ा खुद से ट्राई करना चाहिए उसे, रीड, पढ़ो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है राइट। जैसे ही बच्चे को रीड करना सिखाते हैं उसी तरह हमें राइट भी बोलना चाहिए बच्चों को। तो जब बच्चा 3 साल से ऊपर का हो जाता है तो हमें बोलना चाहिए राइट, लिखो, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा बच्चों को फिर लिखने की ट्रेनिंग भी देनी शुरू करनी चाहिए, तो हम उसे बोलते हैं लिखो, राइट। नेक्स्ट वर्ड है लर्न, सीखो। उसी समय हम बच्चों को बोलते हैं लर्न, सीखो। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। जब बच्चों को कोई सरप्राइजेस देनी रहती है तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो, इस तरीके से बच्चों को सिखानी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 23 नंबर का जो वर्ड है वो है स्टॉप, रुको। बच्चे क्या होते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी से उतरते ही बच्चे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं स्टॉप, रुको। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को कि जब किसी से मिल रहे होते हैं तो बोलते हैं हेलो, हेलो, तो बच्चों को हेलो बोलना भी सिखाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डू नमस्ते, नमस्ते करो। जब हम किसी बड़ों से मिलते हैं तो बच्चों को हमेशा से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नमस्ते करो, प्रणाम करो, तो हम कहते हैं डू नमस्ते बेटा, नमस्ते। नेक्स्ट वर्ड है गो टू बेड। जब बच्चे सोना नहीं चाहते हैं, बहुत रात में देर तक जागते हैं, तो हमें बच्चों को बोलना पड़ता है गो टू बेड, बिस्तर पर जाओ, गो टू बेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शट अप, चुप हो जाओ। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं, तो हम बच्चों को गुस्से में आकर बोलते हैं शट अप, चुप हो जाओ। तो इस तरह से बच्चों को सिखानी चाहिए कि शट अप का मतलब होता है चुप हो जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोंट क्राई। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हमें उस समय बच्चों को बोलनी चाहिए डोंट क्राई। ये वर्ड यूज़ करने से बच्चा समझेगा मत रो, उसे उसी समय सिखाना है हिंदी बोलकर भी डोंट क्राई, मत रो। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है गो टू प्ले, जाओ खेलो, गो टू प्ले। बच्चे हमेशा खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, तो हमें बच्चों को बोलना चाहिए गो टू प्ले, तो ये वर्ड वो जल्दी ही सीखेगा, जाओ खेलो। हमारा नेक्स्ट 30 वर्ड है डोंट टच। जब बच्चे गंदगी छूते हैं या फिर कोई ऐसी जगह छू लेते हैं जिससे
हमें बीमारियां होने का संकेत होता है या फिर वो गंदी चीजें होती है तो हम उन्हें कहते हैं डोंट टच। जैसे बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीज ज्यादा छूने की कोशिश करते हैं तो हम उसे कहते हैं डोंट टच, मत छुओ, डोंट टच। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गो टू स्लीप। बच्चों को सोने जाने के लिए बोलना पड़ता है गो टू स्लीप, गो टू स्लीप, सो जाओ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल्ड इट, इसे पकड़ो। जब हम कुछ ज़्यादा सामान कैरी कर ले करे रहते हैं हाथों में तो हम बच्चे को थोड़ी सी हेल्प अपनी लेते हैं तो हम कहते हैं होल्ड इट, इसे पकड़ो। हमारा अगला वर्ड है व्हाट इज दिस। जब बच्चों को कोई चीज़ हम नई ला कर देते हैं या फिर बच्चे जानने के लिए कुछ उत्साहित रहते हैं तो हम उसे पूछते हैं खुद से व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोंट रन। जब बच्चे बहुत ज़्यादा दौड़ने लगते हैं, बदमाशी करना लगते हैं तो दौड़ने में क्या होता है कि बच्चों को गिरने की ज़्यादा चोट लगने का भय रहता है तो हम उसे कहते हैं डोंट रन, दौड़ो मत, डोंट रन। हमारा नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है लेट स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों को कभी भी जैसे हम कुछ खिला रहे होते हैं, खेलना सिखा रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करना सिखा रहे होते हैं जो कि हमें स्टार्ट करना होता है तो हम बच्चों को बोलते हैं लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। तो ये 35 वर्ड्स जो मैंने आपको दिए, जो आपको दिखाया, ये बहुत ही इजी वर्ड है फ्रेंड। तो ये आप अपने बच्चों को डेली मर्रा के ज़िंदगी में आप अगर ऐसे ही बच्चों को यूज़ करेंगे ये छोटे छोटे वर्ड्स तो बच्चे बहुत जल्दी इतने सारे वर्ड्स सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने ऐसी ही अपनी छोटी सी बेटी जो अभी 2.5 साल की है तो मैंने 2 साल से ही उसको ट्रेनिंग देना ये स्टार्ट किया और अभी 2.5 साल की है वो। अभी वो ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं वो सारे वर्ड्स कंप्लीट कर चुकी है। तो आप भी इस वर्ड्स को ट्राई करें अपने बच्चों पर और बच्चों को इंग्लिश बोलना आसानी से सिखाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।